तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 का सीजन शुरू होने में अब केवल 4 दिनों का समय बचा है। इसी वजह से अब लगातार आईपीएल को लेकर बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर कुल 7 बड़ी खबरें निकल कर आई है, 7 बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर आईपीएल को लेकर आज कौन से 7 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को हमेशा की तरह तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग तो आप सभी करते होंगे Amazon, Flipkart और Myntra जैसी साइट से। यहाँ हम लेके आए हैं आपके लिए कैश करो, जो कि एक भारतीय वेबसाइट है। यहाँ आप 1500 से ज्यादा साइट पर एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। हर ऑर्डर पर आपको कैशबैक और रिवॉर्ड मिलेगा और जो भी कैशबैक है आपके डायरेक्ट अकाउंट में चला जाएगा या फिर अमेजोन गिफ्ट वाउचर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी दोस्तों आईपीएल चल रहा है, जहां क्राउड तो अलाउड नहीं है, पर आप अपनी फेवरेट टीम की जर्सी या फिर कैप खरीद कर उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो कैश करो से जरूर शॉप करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। कैश करो के लिंक पर जाकर आपको अकाउंट बनाना है और कोई भी वेबसाइट चूज करनी है, जैसे हमने अमेजोन की है, और ऑरेंज बटन पर टैप करना है। गाइस, कैश करो पर शॉपिंग में फ्री कैशबैक दे रहा है, जहां कैशबैक कन्फर्म होने पर आपके सीधे अकाउंट में चला जाएगा या फिर आप अमेजोन में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक से साइन अप करने पर आपको ₹25 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर जो आज 7 बड़ी खबरें निकल कर आई है, इनमें जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो है आईपीएल 2020 के सीजन की स्ट्रीमिंग को लेकर। दरअसल कल बीसीसीआई ने ये पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया था कि आखिर आईपीएल 2020 का सीजन किस तरीके से टेलीकास्ट होगा, कौन कौन सी कंट्री में आईपीएल 2020 का सीजन देखा जाएगा। तो आईपीएल इतिहास में पहली बार आईपीएल कुल 120 देशों में देखा जाएगा, यानी 120 कंट्रीज में आईपीएल 2020 का सीजन देखा जाएगा, जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री में अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग बनने वाली है। लेकिन बीसीसीआई ने यहां पर पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में आईपीएल देखा जाएगा। इसके साथ ही कल स्टार स्पोर्ट्स ने अपनी लैंग्वेजेस की लिस्ट भी जारी कर दी है कि आखिर कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आईपीएल 2020 के सीजन की कॉमेंट्री सुनी जाएगी। दरअसल इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कैनेडा, इसके साथ ही बंगाली और मराठा और मलयालम में आईपीएल 2020 के सीजन की कमेंट्री होगी। इन 6 से 7 लैंग्वेजेस में आईपीएल 2020 के सीजन की कमेंट्री होगी और आपके फेवरेट कमेंटेटर्स इस सभी लैंग्वेजेस में कमेंट्री करते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट 90 से 100 कमेंटेटर्स की लिस्ट जारी हुई है। आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी लैंग्वेज में कमेंट्री सुनना पसंद करते हो, इसके साथ ही उस लैंग्वेज के कौन से कमेंटेटर आपके सबसे फेवरेट कमेंटेटर है। आप लैंग्वेज और कमेंटेटर का नाम कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो आई है बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल कल बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई ने उन प्लेयर्स को आईपीएल में पहली बार अनुमति दे दी है जिन्होंने ऑक्शन में अपना नाम नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद पहली बार बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल में खेलने के लिए या फिर यूएई जाने के लिए अनुमति दे दी है। अगर हम बात करें इस लिस्ट में प्लेयर्स की, तो इनमें नाम आता है शाकिब अल हसन का। दरअसल इन पर बैन लगा हुआ था लेकिन अब बैन समाप्त हो चुका है। इन्होंने बीसीसीआई को लेटर लिखा था और बीसीसीआई ने इनको आईपीएल में खेलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही इसमें नाम आता है इंग्लैंड के जो रूट का, नाम आता है युवराज सिंह का और नाम आता है सुरेश रैना का। दरअसल सुरेश रैना भी अब आधे आईपीएल सीजन के बाद दोबारा यूएई जा पाएंगे, दोबारा अपनी टीम की तरफ से आईपीएल खेल पाएंगे। हालांकि इन्हें बीसीसीआई का पूरा प्रोसीजर दोबारा फॉलो करना पड़ेगा, दोबारा से इन्हें 8 से 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आधे आईपीएल सीजन से तो ये बाहर हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने बीसीसीआई को लेटर लिखा था, सीएसके की टीम ने लेटर लिखा था और उस सबके बाद अब इनको आईपीएल की अनुमति मिल चुकी है। यानी ओवरऑल शाकिब अल हसन, युवराज सिंह, जो रूट, इसके साथ ही यहां पर सुरेश रैना को आईपीएल में खेलने की अनुमति मिल चुकी। ये 4 दिग्गज हमें आईपीएल में खेलते हुए देख सकते हैं। अब टीमों की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, अगर किसी भी टीम का कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है तो इन प्लेयर्स की आईपीएल में एंट्री होना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। आप कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम को इनमें से कौन से प्लेयर को अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। इसके साथ ही जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये गौतम गंभीर की तरफ से। दरअसल गंभीर ने कल बड़ा स्टेटमेंट देते हुए यहां पर आरसीबी और सीएसके की कप्तान के बीच डिफरेंस बताया, यानी विराट कोहली और एमएस धोनी की कप्तानी में इन्होंने डिफरेंस पूरी तरीके से बताया है। इन्होंने बताया कि विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी की टीम अब तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है। इसके पीछे मेन 1 से 2 बड़े रीजन
रीजन है। अगर हम बात करें सबसे पहले बड़े रीजन की, तो विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी की टीम की कभी भी डेथ गेंदबाजी सही नहीं रही है। गंभीर का मानना है कि T20 मैचेस आपको आपके गेंदबाज जिताते हैं, लेकिन आरसीबी की टीम की गेंदबाजी में कभी भी वो दम नहीं रहा है कि वो टीम आईपीएल मैच जिता पाए। इसके साथ ही आरसीबी की टीम एक प्लेयर को एक दो मैच खराब होने के बाद प्लेइंग 11 से बाहर निकाल देती है, जबकि सीएसके की टीम हर प्लेयर को 6 से 7 मौके देती है। इसके साथ ही एमएस धोनी हर साल अपनी बॉलिंग लाइनअप को काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट गौतम गंभीर ने दिया। इन्होंने बताया है कि इसी वजह से सीएसके की टीम और एमआई जैसी टीम आईपीएल में इतनी सक्सेसफुल है। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आप गौतम गंभीर के इस स्टेटमेंट से कितना सहमत है? आपके अकॉर्डिंग गंभीर ने सही स्टेटमेंट दिया या फिर नहीं? इसके बाद अगर हम बात करें चौथी खबर की, तो कल की वीडियो में केकेआर की प्लेइंग 11 को लेकर सबसे अधिक कमेंट आए थे, इसी वजह से आज हम केकेआर की पहले आईपीएल मैच को लेकर प्लेइंग 11 बताएंगे। यानी ब्रेंडन मैकलम ने जो हिंट दिए उसके अकॉर्डिंग केकेआर की हम प्लेइंग 11 बताएंगे। अगर हम बात करें इस टीम की प्लेइंग 11 की, तो इस टीम के लिए ओपनिंग में हमें राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ओपन करते हुए दिखेंगे। ब्रेंडन मैकलम ऑलरेडी ये कंफर्मड कर चुके हैं। इसके साथ ही मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर नीतीश राणा, नंबर 4 पर ओएन मॉर्गन और नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक दिखने वाले। काफी स्ट्रॉन्ग इस टीम का मिडिल ऑर्डर रहने वाला है। इसके साथ ही लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पर आंद्रे रसल, नंबर 7 पर सुनील नारायण दिखेंगे। हालांकि मैकुलम ने बताया सुनील नारायण को वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर भी बल्लेबाजी के लिए भेज सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इनकी टेल्स की, यानी इनके 4 प्रॉपर बॉलर्स की, तो नंबर 8 पर कुलदीप यादव, नंबर 9 पर प्रसिद्ध कृष्णा, नंबर 10 पर शिवम मावी और नंबर 11 पर पैट कमिंस समेत दिखने वाले। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके की प्लेइंग 11 23 तारीख को इस टीम की आईपीएल के पहले मैच में हमें दिखेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग केकेआर की टीम का कैसा प्रदर्शन आईपीएल 2020 के सीजन में रहेगा, पॉइंट्स टेबल में कौन से नंबर तक ये टीम जाएगी। इसके साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि कल वाली वीडियो में आप कौन सी टीम की प्लेइंग 11 जानना चाहते हैं। जिस टीम की प्लेइंग 11 को लेकर सबसे अधिक कमेंट आएंगे उसी टीम की प्लेइंग 11 कल वाली वीडियो में बताई जाएगी। तो आप अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको जब आपकी फेवरेट टीम की प्लेइंग 11 वाली वीडियो आए तो आप वो वीडियो मिस ना कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये एक बार फिर से गौतम गंभीर को लेकर। दरअसल गंभीर ने कल एक और स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने बताया है कि जो पंजाब की टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज निकोलस पूरन है वो आईपीएल 2020 के सीजन में इमर्जिंग प्लेयर बनेंगे। आईपीएल 2020 का सीजन इनके लिए काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा और पंजाब के लिए केएल राहुल के साथ ये सबसे अधिक रन बनाएंगे। हालांकि ये काफी चौंकाने वाला स्टेटमेंट है निकोलस पूरन को लेकर। गंभीर वो पहले व्यक्ति या फिर वो पहले क्रिकेट एक्सपर्ट है जिन्होंने इतना पॉजिटिव यहां पर स्टेटमेंट दिया है। आप कमेंट करके बताइए निकोलस पूरन का कैसा प्रदर्शन आईपीएल 2020 के सीजन में रहेगा। इसके साथ ही जो छठी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये केकेआर की कंट्रोवर्सी को लेकर। दरअसल लगातार रोज खबरें आ रही थी कि दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल के बीच लगातार विवाद चल रहा है। पिछले दो आईपीएल सीजन से ये विवाद था, इसी वजह से इस टीम ने पिछले सीजन रॉबिन उथप्पा और इस टीम के हेड कोच साइमन कैटिज को टीम से बाहर कर दिया था। पर इससे पहले मैकुलम और कल यहां पर इस टीम के मेंटर डेविड हसी ने इस पर स्टेटमेंट दिया है। हसी ने बताया कि इस टीम के ऑन पेपर कप्तान दिनेश कार्तिक है, पर दिनेश कार्तिक के साथ यहां पर आंद्रे रसल का भी उतना ही रोल है जितना दिनेश कार्तिक का इस टीम में है। इसी वजह से अब इस टीम में कोई भी लड़ाई नहीं है, इस टीम ने सारी लड़ाई का सोल्यूशन कर लिया है। दरअसल आंद्रे रसल इसके साथ दिनेश कार्तिक के बीच कप्तानी को लेकर विवाद था। एक समय में रसल इस टीम को छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब इस टीम के मेंटोर और इस टीम के कोचिंग स्टाफ ने मिलकर इसका सोल्यूशन कर लिया। यहां पर दोनों को एक तरीके की पावर इस टीम ने सौंप दी है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग केकेआर की टीम का कप्तान किसे होना चाहिए, कौन सा कप्तान केकेआर की टीम को तीसरी बार आईपीएल का खिताब जिता सकता है। इसके साथ ही जो यहां पर सातवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये आरसीबी की तरफ से। दरअसल कल आकाश चोपड़ा ने आरसीबी की टीम को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। इन्होंने बताया कि आरसीबी की टीम का स्क्वाड वैसे तो काफी बैलेंस नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें काफी अधिक कमियां। अगर हम बात करें इस टीम के स्क्वाड की, तो इस टीम के पास फिनिशर्स की काफी अधिक कमियां है। इसके साथ ही इस टीम के पास कोई भी डेथ का गेंदबाज नहीं है, कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है कि जो कि डेथ में आकर पूरी 6 बोले यॉर्कर कर सके और डेथ में रन रोक सके। इस तरीके से इन्होंने आरसीबी की टीम को एक्सपोज किया है। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग सचमुच आरसीबी की टीम में यहां पर फिनिशर और डेथ बॉलर की समस्या है या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।